सो हे गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। सो यहाँ पे एग्जांपल्स तुमने देख लिए होंगे कैसे खड़े खड़े हेडशॉट मार सकते हो तुम। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ट्रिक्स या फिर टिप्स नहीं, बस कुछ बेसिक सी चीज़ें, बेसिक्स सेटिंग्स में जो हमारी डिफ़ॉल्ट प्रिसाइज एंड फुल स्कोप होती है, फुल कंट्रोल, तो उन्हीं के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं डिफ़ॉल्ट के बारे में। तो अब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ही खेलते हैं, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में सिंपली क्या होता है, तो हमारा एम सीधा इनिमी के बॉडी पे जाता है। मतलब अगर हेड पे भी फायर करो तो 90% जितने भी टाइम होते हैं वो उस पर जाता है, बॉडी पर। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट में ही खेला यार, 7-8 महीने डिफ़ॉल्ट में ही खेला, बट अभी मैंने प्रीसाइज में खेलना स्टार्ट किया। और मैंने क्या नोटिस किया है कि आपका जो एम है वो एम थोड़ा बढ़ेगा, मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और इनिमी अगर आपसे हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपकी तरफ से जा रहा है, तो आप मतलब उसको इजीली हेडशॉट्स ले सकते हो, बस खड़े खड़े विथआउट स्कोप। आपको बस करना क्या होगा कि आपको फायर करना है और जो फायर बटन है उसको पुल करना होगा ऊपर की तरफ, उसके हेड की तरफ। फायर करते करते अगर आप पुश करते हो थोड़ा स्क्रीन को, फायर वाले बटन को, तो आपका हेडशॉट लग जाएगा और बॉडी पे एक दो शॉट लगेगा और हेडशॉट एक लग जाएगा, यानी कि एनिमी डाउन हो जाएगा। तो गाइस मैं प्रिफर करूँगा कि आप प्रिसाइज खेलो, ठीक है, फुल कंट्रोल छोड़ ही दो, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज एंड डिफ़ॉल्ट कुछ हद तक सेम है। बिकॉज प्रिसाइज में भी थोड़ा थोड़ा हमारा एम बॉडी पे चला जाता है, मतलब थोड़ी थोड़ी हमें हेल्प मिलती है। डिफ़ॉल्ट में तो पूरा डिफ़ॉल्ट ही समझ लो कि पूरा एम बॉडी पे जाएगा, एंड प्रिसाइज में थोड़ा थोड़ा एम जाता है। सो कुछ हद तक प्रिसाइज भी डिफ़ॉल्ट की तरह है, बट हमें एडवांटेज क्या मिलेगा, हम हेडशॉट ले पाएंगे खड़े खड़े विदाउट स्कोप, ठीक है। एंड फुल कंट्रोल में क्या होता है, फुल्ली जो तुम्हारा एम है तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मतलब इधर उधर भी अगर इनिमी सामने भी है, अगर उसके बॉडी पे नहीं है तो जहाँ है एम वहीं पे लगेगा। तो फुल कंट्रोल ना खेलो तो बेहतर है। सो गाइज ट्राई करो प्रिसाइज एंड एक दो महीने प्रैक्टिस करो क्लासिक में ही, ठीक है। एंड क्लासिक में जब तुम प्रिसाइज में अच्छा खेलने लगोगे, तुम्हारा एम अगर बढ़ जाता है तो एक दो महीने में तुम्हारा गेम इतना इम्प्रूव हो जाएगा, हेडशॉट्स लगेंगे और शॉर्ट रेंज की फ़ाइट में तुम्हें इतना हेल्प मिलेगा कि तुम एक खड़े खड़े स्क्वाड खा सकते हो अगर तुम्हें प्रिसाइज अच्छा खेलना आ जाए। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था, आई होप अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर लाइक। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।